दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं फिर से एक और न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज बात करेंगे KTM 390 ड्यूक Bs6 मॉडल के बारे में। काफ़ी ज़्यादा आपके कमेंट आए थे शिवा प्रकाशन भाई का, फरीन अक्रम भाई का, देव भाई का कि भाई इस पे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, और भी बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो वीडियो मैंने बना दी है। तो सब कुछ बात करेंगे आज की वीडियो में कि क्या क्या प्राइस चेंज होने वाला है, कितना आपको फीचर्स और एक्स्ट्रा मिलेगा, लुक चेंज होगा नहीं होगा, लॉन्च कब तक है, तो सब कुछ बात करेंगे। अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है भाई लोग कर लो, कोई भी क्वेश्चन हो DM कर देना, आपको उसका आंसर 100% मिल जाएगा। वैसे तो ड्यूक 390 ऑलरेडी एक पावरफुल मशीन है। अगर आप लोग ड्यूक 200 चलाते हैं और अगर आप कोई बड़ी बाइक पे जो नेकेड वर्जन में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आप 390 के भी मन बना सकते हैं। इस बाइक में आप लोगों को वही 373cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है। 42.9 BHP का पावर और 37 Nm का टॉर्क आप लोगों को इसके अंदर मिल जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर चेंजेस क्या क्या हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की कंप्लेनिंग थी कि जो इसका पिलियन सीट है वो उतना कंफर्टेबल नहीं है जितना होना चाहिए अगर आप लॉन्ग ड्राइव करते हैं। तो अगर इमेजेस में आप लोग देख रहे हो तो इसका सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है, यहाँ तक कि टेल लाइट जो है उसका भी पोर्शन काफ़ी चेंज किया गया है। मतलब उतना वैसी सिमिलर नहीं लग रही जैसी अभी हमारी ड्यूक आती है। इस बाइक के अंदर न्यू ग्राफिक्स आप लोगों को मिलेंगे, न्यू कलर्स मिलने वाले हैं बाइक के अंदर। BS6 का इंजन तो मिलना ही मिलना है। न्यू फ्रेमिंग होगा, न्यू स्विंग आर्म, मतलब जैसे ये पिछले वाले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको मिलेंगे। ओवरऑल डायमेंशंस में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे आपको, एग्जैक्ट नहीं मालूम लेकिन हाँ जितनी ये फोटोज़ जितनी भी लीक हुई हैं उसके हिसाब से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये चीज़ें चेंज मिलेगी। इस बाइक का जो सिलेंडर हेड है, अगर आप लोग इमेजेस में देख रहे हो सिलेंडर हेड है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। मतलब उसको एक काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया गया है, बड़ा किया गया है ताकि इसकी जो पिस्टन है वो भी बड़ी हो, जिससे कि पावर की कमी ज़्यादा ना हो सके। क्योंकि आप लोग ये बात जानते हो कि जितनी भी BS6 बाइक्स आ रही हैं उसमें 1 BHP का पावर कम हो जा रहा है, तो उसी को कंपनी ने ध्यान में रखते हो कि ज़्यादा पावर कम ना हो, और उसका जो पिस्टन है वो भी आप लोगों को इस बाइक में बिगर मिलने वाला है। जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी रीडिज़ाइन है, मतलब आपको 390 ओल्ड जैसा नहीं मिलने वाला, उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस आप लोगों को न्यू मिलेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों को ये वाली ड्यूक ज़्यादा अच्छी लग रही है या जो पुरानी वाली 390 ड्यूक है वो काफ़ी अच्छी है। इस बाइक का प्राइस जो लगभग आप लोगों को कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करना होगा इस बाइक के लिए। अभी ये बाइक आप लोगों को 2.47 लाख एक्स शोरूम मिल जाती है दिल्ली, तो लगभग आप लोगों को अंडर 3 लाख के आसपास में ये बाइक मिलने वाली है एक्स शोरूम। क्या राय है आप लोग बताना ज़रूर। इस बाइक का जो लॉन्च डेट है वो आप लोगों को 2020 के मिड में मिलेगा, या हो सकता है कि KTM उससे पहले भी लॉन्च कर दे इस बाइक को। इस बाइक के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आप लोगों को डोमिनार 400, कावासाकी 300, BMW की G310R करके और भी बहुत सारी बाइक्स आ जाएंगी जब तक ये बाइक लॉन्च होगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो अपनी कमेंट में राय ज़रूर देना कि क्या आप लोगों को लगता है कि इतना प्राइस बढ़ाना ज़्यादा, जो इतना 50 हज़ार रुपये ज़्यादा बढ़ जाना ठीक है या गलत है, या कितना बढ़ना चाहिए, या फिर आप लोग और भी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस बाइक से फेस करते हो, उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए KTM को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर भाई लोग आपको किसी भी BS6 बाइक के बारे में जानना हो यार, कमेंट कर देना, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा।